तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से वन ऑन वन मैच से हुई जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है जहां पर इस मैच के अंदर हमें ऑरेंज कैसिडी और स्वर्व स्ट्रिकलैंड इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइज इस मैच के अंदर शुरुआत में ही काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था इसलिए पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट था और माना कि यहां पर दोनों स्टार्स ने काफी जबरदस्त दी है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब स्वर्व स्ट्रिकलैंड और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने फिनिशर्स लगाने के बाद भी जब एक दूसरे के फिनिशर्स के ऊपर किक आउट किया तो यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक रोल अप पिन करने के लिए गए पर कैसिडी ने रिवर्स कर स्वर्व स्ट्रिकलैंड पर एक रोल अप पिन कर दिया जिससे कि स्वर्व यहाँ पर हार गए हैं और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। और रिजल्ट देखकर स्वर्व यहाँ पर काफी शॉक के अंदर थे और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मुगल एम्बेसी ने आकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतनी भी सरप्राइजिंग सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मुगल एम्बेसी रिंग छोड़कर चली गई थी और इनके अंदर डार्बी एलन और स्टिंग आ चुके थे। तो अब देखना पड़ेगा कि अब मुगल एम्बेसी और डार्बी एलन और स्टिंग और ऑरेंज कैसिडी की स्ट्रेंज टीम के बीच में आगे क्या होता है। लेकिन सच में राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आएगा क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें डार्बी एलन स्टिंग और ऑरेंज कैसिडी एक टीम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जे लिथल और रिकी स्टार्स के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला जिसके बाद हमें ब्रायन डेनिसन और कजुशिका ओकाडा इनके बीच के मैच के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और ब्रायन डेनिसन यहाँ पर कम्युनिटी टीम ज्वाइन की और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक मैच होने वाला था जहाँ पर उनके अपोनेंट्स बेस्ट फ्रेंड्स और रॉकी रोमेरो थे। और ये मैच शुरू होने से पहले ही बेस्ट फ्रेंड्स और रॉकी रोमेरो ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस एडवांटेज के चलते जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच की शुरुआत में बेस्ट फ्रेंड्स और रॉकी रोमेरो ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और उन्होंने इस मैच के अंदर अपने काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और बेस्ट फ्रेंड्स और रॉकी वाइज पर काफी तगड़ा अटैक कर ट्रेंट को रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर जॉन मॉक्सले ने रॉकी रोमेरो पर और व्हीलर उठाने चक टेलर पर अपना सबमिशन मूव लगा दिया और इस सबमिशन के सहारे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यह मैच जीत लिया है जो उनके लिए काफी आसान सा मैच था। पर गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज और यंग बक्स ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है जहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि ब्रायन और कनुस की चिकित्सा की मदद के बगैर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब किस तरीके से एक सिक्स मैन टैग टीम मैच रसल करता है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के मैच के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला जिसके बाद हमें शो के ऊपर MJF आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर क्राउड से बातें करते हुए MJF कह रहे थे कि MJF AEW के ग्रेटेस्ट चैंपियन है और फिलहाल में AEW में MJF के लिए कोई चैलेंजर्स नहीं बचे। ये देखकर MJF को काफी बुरा लग रहा है क्योंकि MJF सच में वर्दी कम्पिटेटर्स को ढूंढ रहे हैं। जो बात यहाँ पर MJF कर ही रहे थे कितने में हमें यहाँ पर एडम कोल आते हुए दिखाई दिए और एडम कोल के यहाँ पर आते ही यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए MJF ने कहा कि अच्छा वो यहाँ पर एडम कोल आ गए क्योंकि जब से MJF ने एडम कोल को देखा है तब से एडम कोल को देखकर MJF को लग रहा था कि एडम कोल और MJF ये अपने करियर के एक दूसरे के आर्च राइवल्स होने चाहिए क्योंकि जो काम एडम कोल ने अपने करियर के अंदर किया है वो देखकर MJF भी काफी इंस्पायर हुए थे और MJF हमेशा से ही चाहते थे कि एडम कोल और MJF इनके बीच में काफी जबरदस्त मैचेस हो। पर जब एडम कोल AEW के अंदर आए तब MJF एडम कोल को पहचान नहीं रहे। क्या ये वही एडम कोल है जो कि WWE के अंदर काफी ग्रेट थे और क्या ये वही एडम कोल है जिसे कि WWE के अंदर विंस मैकमैन के ना कहने के बाद AEW के अंदर आना पड़ा क्योंकि उस कंपनी के अंदर टॉप स्टार नहीं बन पा रहे थे। जो बातें कहकर MJF ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर विंस मैकमैन को भी मेंशन किया जो कि हमने आज तक कभी भी AEW के टेलीविजन के ऊपर होता हुआ नहीं देखा। पर MJF ने एडम कोल के यहाँ पर ये कहकर इंसल्ट कर दी कि एडम कोल वैसे एडम कोल नहीं रहे जैसे कि वो WWE के अंदर थे और इसका जवाब देते हुए यहाँ पर एडम कोल ने कहा कि हाँ एडम कोल वो एडम कोल नहीं है क्योंकि एडम कोल अब उससे बेहतर है। पर एडम कोल किसी भी पोजीशन के अंदर हो एडम कोल के लाइफ के अंदर एडम कोल के पास एक चीज है जो कि MJF के पास कभी नहीं होगी और वो है रिस्पेक्ट क्योंकि सबको पता है कि एडम कोल किस कैलिबर के सुपरस्टार है और MJF किस लेवल के सुपरस्टार है। इसीलिए सभी लोग एडम कोल को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एडम कोल MJF जैसे सुपरस्टार्स को हरा सकते हैं और MJF एडम कोल को नहीं। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और एडम कोल की इन वर्ड्स के ऊपर गुस्सा होकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF ने कह दिया कि MJF एडम कोल को एक मैच के अंदर हरा सकते हैं और MJF के गुस्से में इसे कहने के बाद एडम कोल का यहाँ पर काम हो चुका था
क्योंकि एक तरीके से एडम कोल ने एमजेएफ के खिलाफ एक मैच पा लिया था, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब एडम कोल और एमजेएफ इनके बीच में एक मैच होता है तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राइवलरी कितनी जबरदस्त होती है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द हार्डीज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ईथन पेज से बात करते हुए द हार्डीज कह रहे थे कि जब हार्डीज का कॉन्ट्रैक्ट ईथन पेज के पास था तब ईथन पेज हार्डीज को एक स्लेव की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हार्डीज ऐसा नहीं करने वाले, हार्डीज ईथन पेज को एक अच्छा आदमी बनाने वाले है। जो बात यहां पर हार्डीज ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हार्डीज के साथ रहकर अब ईथन पेज अच्छे आदमी बन पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर जंगल हुक मिलकर एक टेक्सास टोर्नेडो मैच के अंदर डरेस्टिको और प्रेस्टन वांस को फेस करते हुए दिखाई दिए, और गाइज मैच शुरू होने से पहले ही डरेस्टिको और प्रेस्टन वांस ने जंगल बॉय और हुक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच ऐसे ही स्टार्ट हुआ। और ये एक टेक्सास टोर्नेडो मैच था, इसीलिए हमें इस मैच के अंदर काफी ब्रूटल स्टफ भी देखने को मिला है और काफी तगड़े वेपन्स भी देखने को मिले हैं। और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर जाकर भी रसल कर रहे थे, और एक टाइम के लिए हुक ने यहाँ पर एक स्टील चेन लेकर प्रेस्टन वांस के ऊपर अटैक कर दिया, जहाँ पर प्रेस्टन वांस के सिर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और मानो कि वो यहाँ पर अपने खून से ही नहा रहे थे। और इस वजह से यहाँ पर लग रहा था कि शायद यहाँ पर प्रेस्टन वांस काफी गुस्सा है, क्योंकि इसके बाद प्रेस्टन वांस ने इस मैच के अंदर हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इतना ब्रूटल था कि यहाँ पर लग रहा था कि वो सच में हुक से अपना बदला ले रहे हैं। पर जंगल बॉय ने यहाँ पर आकर स्टील चेयर से प्रेस्टन वांस के ऊपर अटैक कर हुक की मदद की, जिससे कि हुक प्रेस्टन वांस को एक टेबल के थ्रू रख पाए और जंगल बॉय इनके अंदर ये मैच जीतने के लिए जा रहे थे। पर मैनेजर होजे ने यहाँ पर आकर जंगल बॉय को रोक लिया और हुक ने ये देखकर होजे पर अपना फिनिशर लगा दिया और जंगल बॉय ने डेलिस्टिको पर अपना सबमिशन लगा दिया, और यहाँ पर सबमिशन के सहारे जंगल हुक ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, और देखना पड़ेगा कि इस जीत के बाद आगे जंगल हुक के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर कनुस्के तकेत्सा एक वन ऑन वन मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, और इस मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि केनी ओमेगा डॉन कैलिस की फैमिली थे और ओमेगा ने डॉन कैलिस की जगह द इलीट को चूज किया है, और इसका बदला लेते हुए डॉन कैलिस तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि ओमेगा बिल्कुल अकेले नहीं पड़ जाते। जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही तो देखना पड़ेगा कि अब ओमेगा को अकेला करने के लिए डॉन कैलिस क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स मार्वेस बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि आर्न एंडरसन की वजह से क्रिश्चियन केज ऑल आउट पेपर व्यू में टीएनटी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए और इसका बदला क्रिश्चियन केज लेते ही, और ये कहकर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर आर्न एंडरसन के बेटे यानी कि ब्रॉक एंडरसन के ऊपर अटैक कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि इसका बदला लेने के लिए आर्न एंडरसन क्या करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर अपने टीबीएस में चैंपियनशिप एक वन ऑन वन मैच के अंदर एना जेक के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी स्पीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर शुरुआत में क्रिस स्टैटलैंडर ने काफी बढ़िया मूव लगाया, पर जब एना जेक ने इस मैच के अंदर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो क्रिस स्टैटलैंडर के पास काफी देर तक इसका कोई जवाब नहीं था और पूरे के पूरे मैच के अंदर एक तरीके से एना जेक ने ही डोमिनेट किया। लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर अपना कमबैक करते हुए डायरेक्टली एना जेक के ऊपर ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपना फिनिशर लगा दिया और डायरेक्टली उन्हें पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि काफी मार खाने के बावजूद भी क्रिस स्टैटलैंडर ने एक मुंह के अंदर ही ये मैच जीत लिया है। और ये सब चीजें बैकस्टेज से टाय वैल्करी देख रही थी, तो देखना पड़ेगा कि आगे क्रिस स्टैटलैंडर और टाय वैल्करी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म और रूबी सो बैकस्टेज में देखने को मिली, और यहाँ पर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक फैटल फोर वे मैच होगा और जो कोई सुपरस्टार वो मैच जीतेगा उसे आगे चलकर टोनी स्टॉर्म की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है, और टोनी स्टॉर्म इस सब के ऊपर नजर बनाए रखने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि टोनी स्टॉर्म की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर कौन होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें रिकी स्टार्स एक वन ऑन वन मैच के अंदर जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, और इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स और जे व्हाइट इन दोनों ने अपनी जी जान लगा दी है, और इन दोनों को यहाँ पर फाइट करते हुए देख ऐसा लग रहा था कि मानो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है और एक दूसरे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि ये मैच तो काफी जबरदस्त चला और इस मैच के अंदर हमें काफी बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब रिकी स्टार्स ने जे व्हाइट पर अपना फिनिशर लगा दिया तो एक्सीडेंटली इसके अंदर रेफरी भी नॉकआउट हो गया, और ये देखकर रिकी स्टार्स अपने आप को संभाल ही रहे थे कितने में गन्स ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर लगा दिया, और इस चीज का फायदा उठाकर रेफरी के पीठ पीछे रिकी स्टार्स पर ब्लेड रनर लगाकर उन्हें पिन कर जे व्हाइट ने मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट इन दोनों ने यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट की, और ऐसी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया जो शो मुझे उतना खास तो नहीं लेकिन गाइज एक एवरेज शो लगा है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या होता है और आगे शोज इंटरेस्टिंग बनते हैं या नहीं, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।